हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आगे एक नया वीडियो, नया ब्लॉग लेकर आपके बीच। क्या है कि मैं हर संडे वीडियो ही डाल पाता हूँ, हर संडे को, क्योंकि मेरे पास बाकी दिन में इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं हफ्ते के 6 दिन ड्यूटी में होते हैं, 10 घंटे हमारी ड्यूटी रहती है। संडे के दिन हम फ्री होते हैं, वो भी 12 हमें बज जाते हैं, नहाते धोते खाना बनाते खाते खाते फिर उसके बाद वीडियो बनाने, तो भाई इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टाइटल आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वैसे तो टाइटल वैसे कुछ मतलब टॉपिक वगैरह इतना नहीं समझ में नहीं आता कि लोकेशन वगैरह कुछ कहाँ पे जाएं क्या करें, तो यार घर पे ही बना लेते हैं। हमें तो हेल्प करनी है लोगों की, ये थोड़ी है कोई यार कोई अच्छी अच्छी जगह भाई वो सब नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास गाड़ी है। ठीक है, तो हेल्प के तौर पर वीडियो बनाता हूँ आपको। मतलब मेरा यही है टारगेट यार, लोगों की हेल्प करना बस, और कुछ नहीं। तो भाई शुरू करते हैं इस चीज़ से कि यार मेरे पास जो भी बंदे मेरे को अप्रोच कर रहे हैं वो सब आधे डॉक्यूमेंट्स के साथ। मतलब कोई बोल रहा है मेरे पास PCC रेडी नहीं है लेकिन मेरा काम करवा दो, कोई बोलता है मेरे पास पासपोर्ट रेडी नहीं है मेरा काम करवा दो, कोई बोल रहा है PCC है अपोस्टाइल रेडी नहीं है काम करवा दो। अब इन सब से अलग बंदे बोल रहे हैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का। एक्सपीरियंस के बगैर भाई काम कैसे होगा यहाँ पे? इनको हेल्पर चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए स्किल्ड बंदे, इनको चाहिए मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मतलब कंस्ट्रक्शन की जॉब के हिसाब से बता रहा हूँ। इनको सबसे ज़्यादा चाहिए ऑलराउंडर, आपका फटाफट काम हो जाएगा। आप मेरे को बताओ कि मेरे पास 5 साल का 10 साल का इंडिया का या गल्फ का या कहीं और का एक्सपीरियंस है, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए यार, मैं एक बंदा इनको दूँ जो बंदा बोले, बंदा मतलब वहाँ से मजबूरी में है, उनके उसके पास कोई है नहीं यार, वो बस आना चाहता है, मान लो मैंने उसका काम करवाया, फिर वो बंदा आगे यहाँ पे काम करेगा, उसको कुछ जॉब का पता ही नहीं है काम का पता ही नहीं है, तो फिर ये लोग क्या बोलेंगे? अरे यार हमें क्या बंदा दे दिया। फिर वो दोबारा बंदा मेरे से और कोई बात नहीं करेगा, वो या तो उसको बोलेगा कि भाई तू कंपनी छोड़, या तो वो मेरे को टाटा बाय बाय बोल देगा, भाई तेरे बंदे नहीं चाहिए। तो यार इन चीज़ों से थोड़ा सा मैं डरता हूँ कि यार हमें यहाँ पर इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखनी है, लेकिन इस तरह से तो काम नहीं होगा। तो भाई स्किल्ड बंदे मेरे को मिल ही नहीं रहे यार, जो है बस भाई ये है वो। अब ड्राइवर के लिए बंदे बोल रहे हैं मैं ड्राइवर हूँ, अरे ड्राइवर तो मैं भी हूँ, गाड़ी मेरे को भी चलानी आती है, मेरे को सऊदी का लाइसेंस है, मेरे पास इंडिया का लाइसेंस है, दोनों है मेरे पास। यहाँ पे ड्राइवर नहीं चाहिए इन लोगों को भाई, गाड़ियाँ अपनी खुद चलाते हैं ये, ठीक है, इनको सिर्फ हैवी ड्राइवर चाहिए, हैवी ड्राइवर, वो भी भाई बहुत कम, इक्का दुक्का केस मिलते हैं बस। इनको आप समझ लीजिए वर्कर्स चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई सुपरमार्केट में मैं कैशियर, अरे भाई ये सब जॉब मेरे को मिलती तो मैं खुद कर लेता, नहीं मिलती है ये जॉब, यहाँ पे लड़कियों को रखा है इन्होंने। और अब इनके लोग गल्फ़ की तरह नहीं है कि लड़कियाँ घूमती रहती हैं इधर उधर, यहाँ की लड़कियाँ सब काम करती है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और कई कई और भी, मतलब जितने भी आपको लाइट जॉब लगते हैं ना उनमें सब में लड़कियाँ हैं, वो भी क्रोएशियन लोकल। भाई यहाँ के लोग हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, अपने लायक जॉब जो है वो मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ बहुत सी जगह में मिलते हैं जॉब भी मिलते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है भाई। मैं जो हेल्प कर रहा हूँ, मेरा बंदा जो काम कर रहा है वो इस कैटेगरी के काम कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा। किचन हेल्पर का, कुक, शेफ, इन सब के लिए बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, विद एक्सपीरियंस लेटर। ऐसा नहीं कि यार आप बोले भाई मैं यहाँ पे ये इस होटल में खाना बनाता हूँ, राम भरोसे ढाबे में खाना बनाता हूँ, वो नहीं चाहिए इनको। यूरोपियन कुजीन, मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ में, प्रोफेशनल है, वो सब चाहिए, नॉर्मल नहीं चलेगा भाई, ठीक है। लोग बोल रहे हैं यार मेरा ये है, मेरी ये है, मेरा वो, मेरे अंकल का ढाबा है उसमें मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, ढाबा वाब कोई वैल्यू नहीं है उनकी भाई, इनको स्पेशलिस्ट विद फ्लुएंट इंग्लिश, अच्छी जो इंग्लिश बोल सकता है अच्छी, जिसको वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, सलाद, सब चीज़ों की नॉलेज है, जो जानता है कि कौन सा मीट कैसा होता है क्या, मतलब हर एक चीज़ का नॉलेज चाहिए एक्सपीरियंस के साथ, तब जाके आपका काम होगा। इसलिए बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के बंदे मेरे से ज़्यादा अप्रोच करो तो आपके लिए अच्छा है, बाकी भाई है नहीं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता था कि मेरे को लगता है कि ये Q&A वीडियो रखना चाहिए यार,
तो आप लोग बताओ कि Q&A वीडियो कब रखें, नेक्स्ट संडे या फिर मेरे को लगता है 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद। अगर आप लोग डिमांड करोगे Q&A वीडियो की तो जल्दी रखेंगे। मैं 10, 15 या 20 क्वेश्चन उठाऊंगा जो सिमिलर होंगे सारे क्वेश्चन से, उनके आपको बिल्कुल जेन्यून रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे को बताना ये सब कब करना है, नेक्स्ट संडे करें या मेरे को लगता है 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद करें। ठीक है भाई। और भाई मैंने इंस्टाग्राम का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि आपकी इंस्टा आईडी कहाँ है, भाई पढ़ो तो सही ढंग से, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। इंक्वायरी के लिए मैंने अपनी ईमेल रखी हुई है और सारे भाई लोग जानते हैं मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, वन बाय वन सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। अभी उन चीज़ों का तुक नहीं बनता जो जिनको काम धाम आता ही नहीं है, उनको वो पूछ रहे हैं भाई क्रोशिया में कितनी क्या है सब कुछ, मतलब डिटेल ऐसे मांग रहे हैं जैसे इसको बंदे को कल ही आना है। और लास्ट में क्या बोलता है, भाई मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मेरी PCC रेडी नहीं है। यार ये सब बात बोल के बस फिर वो ऐसा दिल में बुरा लगता है यार। मैं वीडियो में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को कि यार ऐसे ऐसे प्रोसेस है, इस तरह से काम करता है, फिर भी लोग यार वही बातें बोल रहे हैं कि भाई बताओ ये सब। अच्छा, PCC जो है विद अपोस्टाइल, मेरे को चाहिए पासपोर्ट वाली, अपनी लोकल पुलिस स्टेशन वाली मेरे को नहीं चाहिए। उससे काम होता है लेकिन वो काम बहुत स्लो होता है, तो भाई आप यही मान लीजिए कि उससे काम होता ही नहीं। अपने को चाहिए PCC पासपोर्ट वाली। ठीक है भाई लोग, पासपोर्ट वाली PCC चाहिए अपने को, और कोई PCC नहीं चाहिए, विद अपोस्टाइल। होने के बाद आप मेरे को बताएंगे कि भाई पासपोर्ट वाली PCC रेडी है विद अ पोस्ट स्टाइल, कहाँ भेजनी है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो भाई लोग और कोई अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भाई पहले तो नहीं बोल रहा था यार, लेकिन अब बोल रहा हूँ यार, सपोर्ट करो थोड़ा यार, लाइक कर सकते हो आप चैनल को। बहुत अब मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से जाओ तो मेरे सब्सक्राइबर तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे देखा जाए तो लोग वीडियो देखते हैं। ठीक है, देख के चले जाते हैं। अरे यार आपके लिए एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, पता है आपको। आप छोटा सा क्लिक करते हैं सब्सक्राइब का और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देते हैं फॉर ऑल के लिए, तो उससे क्या होगा, आपको वीडियो जल्दी, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आपका छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, पता है आपको। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऐसा तो है नहीं यार कोई भाई को मेरे से शिकायत है, सबको रिप्लाई दे रहा हूँ टाइम टू टाइम, सबको, हर एक बंदे से पर्सनली बात भी कर रहा हूँ। और जो बंदा मेरे को सही लग रहा है उसके डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, उससे वीडियो कॉल पे ऑडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, पूरी बात कर रहा हूँ। जो जिस भाई को जिससे बातें की है उसको पता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रिप्लाई सबको दे रहा हूँ। तो भाई और आगे का करता रहूँगा। और बताइए Q&A कब रखना है, 1,000 सब्सक्राइबर पर रखें या फिर जल्दी करें। मेरे को 1,000 वाला ठीक लग रहा है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कब तक करवा दोगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि लोग थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, मेरे को पता है। एंड तक कोई नहीं देखता, एंड तक देखो भाई, मैं तो आपको आपके लिए सही चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।